और एक चीज देखिए, अभी ट्रेन भागलपुर से खुली है, मतलब 2 से 3 स्टॉपेज, और पानी का कंडीशन देखिए क्या है, चल ही नहीं रहा है पानी। बिल्कुल स्लो ट्रेन चल रही है, ये नई सुरंग बनी है फिर भी ये स्लो ट्रेन। हेलो दोस्तों, ये गुड मॉर्निंग नहीं गुड आफ्टरनून है, और दोपहर के बज रहे हैं 12:30, और अभी हम देखिए हम रेडी हो गए हैं, हम चल रहे हैं अभी कहीं, अभी बताएंगे नहीं कहाँ जा रहे हैं, आप लोग ब्लॉग के साथ बने रहिएगा। फिलहाल मेरा ट्रेन 2 बजे है, तो चलिए अभी हम स्टेशन निकलते हैं और इन्जॉय करवाते चलते हैं आप लोग को। अभी हम नहीं बताएंगे अभी हम कहाँ जा रहे हैं, आप लोग ब्लॉग के अंदर देखिए हम कहाँ जा रहे हैं, आप लोग के लिए एक सीक्रेट है, मतलब एक सरप्राइज है। तो चलिए ब्लॉग के साथ बने रहिए, चलते हैं हम स्टेशन, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं स्टेशन पर। तो फ्रेंड्स देखिए, हम अभी सुल्तानगंज स्टेशन पहुंच गए हैं, और अभी जो ट्रेन आएगी वो है 22405 अप, गरीब रथ एक्सप्रेस से हम चल रहे हैं राजेंद्र नगर टर्मिनल। तो आप लोग ब्लॉग के साथ बने रहिएगा, और अभी टाइम हो रहा है 1:35, और ट्रेन का टाइम यहाँ है 2:01। चलिए आधा घंटा वेट करते हैं, फिर ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। तो आप लोग ब्लॉग के साथ बने रहिएगा, अभी ट्रेन आती है फिर आप लोग को दिखाते हैं इसमें कौन सा लोकोमोटिव लगा हुआ है। चलिए बने रहिए ब्लॉग के साथ, और आप लोग को थोड़ा स्टेशन का थोड़ा हाल दिखाते हैं, इतना धूप में 1 बजे का क्या हाल है, तो देख लीजिए थोड़ा क्या हाल है। देखिए सुल्तानगंज स्टेशन का हाल, इतना तेज धूप है और पैसेंजर भी चढ़ने वाले बहुत हैं। दोपहर के बज रहे हैं 1:30, और देखिए इधर कोई वर्किंग वाला ट्रेन लगी हुई है। देखिए ये कौन सा गाड़ी, ये वर्किंग वाला ट्रेन है। देखिए ट्रेन का अनाउंसमेंट हो गया है, ये भी बड़ी एयरपोर्ट नहीं रुकेगी ना? नहीं, बड़ी एयरपोर्ट नहीं रुकती है। वीडियो बना रहे ना आप लोग, YouTube पे मंगाते हो वही है। चलिए ट्रेन आने का टाइम हो गया है, फिर ट्रेन आती है फिर आप लोग से मिलते हैं। देखिए टाइम हो गया है 13:52, और टाइमिंग यहाँ है ट्रेन का 2:01। तो देखिए फ्रेंड्स ट्रेन आ गई है, मतलब स्टेशन इन करने से थोड़ी दूर में है, और देखिए ट्रेन प्लेटफॉर्म इन कर रही है, और हमारा जो कोच है वो है G6। तो देखते हैं G6 कोच कहाँ लगता है, और ट्रेन एकदम ऑन टाइम बिल्कुल 2 बजे आ गई सुल्तानगंज स्टेशन। देखिए बिल्कुल हॉर्न मारे हुए आ रही है, देखिए ट्रेन घुस गई है, और इसमें जो लगा हुआ है WAP5 गाजियाबाद का गरीब रथ एक्सप्रेस, और हम लोग का कोच है G6, G17 निकला है, G16 निकल रहा है, G15, 14, तो हमें लगता है पीछे जाना पड़ेगा। और देखिए बहुत लोग का, बहुत यात्रियों का कोच आगे निकल गई है, तो वो लोग आगे भाग रहे हैं दौड़ के। G11, G10, तो देखिए हम लोग का कुछ पीछे रह जाएगा थोड़ा, G9, तो G6 एग्जैक्ट लग सकता है, G8, G7, और ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पे रुकी हम लोग का ट्रेन, ये रहा G6। तो चलिए एंट्री करते हैं। तो देखिए ट्रेन अपने टाइमिंग से खुल गई है यहाँ से, और हम भी अपने सीट पे बैठ गए थे अभी, तो अभी ट्रेन खुल रही है तो थोड़ा देखिए ट्रेन सुल्तानगंज इंटरचेंज से बाहर निकली। तो चलिए अभी नेक्स्ट स्टॉप पे जाते हैं, तो मिलते हैं आप लोगों से, और इधर हैं हमारे अटेंडर साहब। चलिए अब ट्रेन के अंदर बैठते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो एसी का मजा लेते हैं। ये है हमारा सीट 57 नंबर,
बैठ गए अंदर आके, तो व्यू देख लीजिए ट्रेन का अंदर का। ट्रेन लगभग खाली है, अभी भरी नहीं है ट्रेन, और लगभग तो सीट खाली है, पटना से हो सकता है फुल होगा। चलिए सीट के अंदर बैठे, और एसी वैसी पूरा काम कर रहा है सही से। चलिए हैं और आप लोग बाहर का व्यू देख लीजिए। अब ट्रेन जमालपुरी करने वाली है कुछ देर में। सुरंग के अंदर स्लो हो गई है, बिल्कुल स्लो हो गई, क्योंकि ये नई सुरंग बनी है। फिर भी देखिए सुरंग के अंदर कितना लाइटिंग, बिल्कुल स्लो ट्रेन चल रही है। ये नई सुरंग बनी है, फिर भी ये स्लो ट्रेन चल रही है। कलाकारी यहाँ का कितना अच्छा देश बना हुआ है, कलाकारी यहाँ किया हुआ। तो ट्रेन अब जमालपुर पहुंचने वाली है कुछ ही देर में। तो सुरंग से बाहर का व्यू देख लीजिए थोड़ा सा, कितना जबरदस्त लुक है। और देखिए ट्रेन का मतलब लोकोमोटिव यहाँ से दिख रहा है, और शायद सिग्नल नहीं हुआ है, इसलिए ट्रेन खड़ी हो रही है। देखिए ट्रेन बिल्कुल स्लो मोशन में आ गई है। चलिए स्टेशन पे मिलते हैं आप लोगों से। तो देखिए फ्रेंड्स, ट्रेन पहुँच गई है जमालपुर, और बिल्कुल ऑन टाइम 2:35 पर एक नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। और यहाँ से खुलने का इसका टाइम है 2:40। तो देखिए जमालपुर खड़ी है ट्रेन, और अभी यहाँ से खुलने के बाद ये रुकेगी सीधा अभयपुर, और बाहर धूप बहुत ज्यादा है। तो देखिए ट्रेन एग्जैक्ट 2:40 पे अपने स्टेशन जमालपुर से निकल रही है। यह है आपका जमालपुर स्टेशन, और यहाँ से ट्रेन 2:40-41 पे निकल रही है। आगे आगे सबसे आगे से 18 के जस्ट बगले में। पीछे वाले और एक बार इस ट्रेन का आपको बताते हैं खासियत। इस ट्रेन में मतलब जो कोरोना से पहले था ना, ये ट्रेन बिल्कुल लेट चलती थी, और ये कोरोना के बाद बिल्कुल ऑन टाइम बिफोर घुस जाती है ट्रेन। तो कोरोना के बाद सबसे ज्यादा परिवर्तन हुआ है तो इसी ट्रेन में हुआ है। चलिए जमालपुर निकल रही है ट्रेन अब। चलिए जमालपुर को बाय बाय कहते हैं, और नेक्स्ट स्टॉपेज अब मिलते हैं आप लोगों से। ये आपका जमालपुर जंक्शन, चलिए नेक्स्ट स्टॉपेज में आप लोगों से मिलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सुल्तानगंज से चलने के बाद जमालपुर के बाद अभयपुर गाड़ी खड़ी है, और यहाँ का कोड आपका AHA अभयपुर का कोड है। और ये ट्रेन आके यहाँ पे लगी है, लगभग टाइम से ही है, 3:02 पे आके यहाँ पे रुकी है। और इस ट्रेन का भी एक आपको एक मतलब कि एक गलती दिखाएंगे क्या हुआ है इस ट्रेन में भी। देखिए
मतलब यहाँ का अंदर में जो पानी है वो चल नहीं रहा है। अभी आपको दिखाते हैं, आप लोग बोलिएगा कि नहीं से दिखाए हैं, दिखाएंगे। अभी देखिए ट्रेन अभी खड़ी है, यहाँ से डिपार्टेड होती है, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए बहुत लंबी ट्रेन है, 22405 गरीब रथ एक्सप्रेस है ये। चलिए यहाँ से डिपार्ट हो रही है ट्रेन। तो देखिए ट्रेन अभयपुर से खुल रही है। और ये सब देखिए ट्रेन पे चढ़ने के बाद तांडव मचाती है। डस्टबिन दिया गया ट्रेन में? नहीं, तो देखिए ट्रेन अभयपुर पार कर गई और अब इसका स्टॉपेज नेक्स्ट आएगा क्यूल। तो आप लोग को क्यूल में मिलते हैं। और एक चीज देखिए, अभी ट्रेन भागलपुर से खुली है, मतलब दो से तीन स्टॉपेज, और पानी का कंडीशन देखिए क्या है, चल ही नहीं रहा है पानी। और इस ट्रेन को जाना है आनंद विहार। और जो खाना जो खाते हैं, मतलब कुछ कचड़ा वचड़ा, तो देखिए इसमें डस्टबिन नहीं दिया गया, यहाँ पे फेंका जा रहा है कूड़ा कचड़ा। नाम का ये ट्रेन गरीब रथ है। फैसिलिटी अंदर ठीक है, लेकिन बाहर देखिए ना ही पानी का यहाँ पे सुविधा है। अगर हो सकता है, अगर टॉयलेट में पानी ना होगा तो फिर कैसे यूज करेगा आदमी। तो इस पर देखना चाहिए, भागलपुर से ट्रेन खुली है तो इसमें मेंटेनेंस होना चाहिए, पानी वानी आना चाहिए था इसमें। आइए इनसे पूछते हैं, पानी इसमें डलाया गया था भागलपुर में? अच्छा, ये रेल कैद में नहीं है, बट हम इनसे पूछे तो बोला ट्रेन में पानी नहीं है, बोले दूसरे जगह। देखिए ये कोच में पानी नहीं चल रहा है, लेकिन देखते हैं साइड वाले में चल रहा है या नहीं। आइए देखते हैं, ये वाले में चल रहा है। देखिए ये पानी इसमें चल रहा है, बट G6 कोच में नहीं चल रहा है। चलिए देखते हैं कहाँ तक है पानी भराता है। फिलहाल हमको तो पानी यूज करना था, पानी नहीं मिला, तो हम नेक्स्ट कोच में जाके भर लिए। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ट्रेन हमारी पहुंच गई है क्यूल, और यहाँ टाइमिंग इसका है 4 बजे, और ये पहुंच गई है यहाँ पे 3:40 पर, मतलब 20 मिनट बिफोर आई है ट्रेन। और आइए आपको थोड़ा क्यूल स्टेशन का थोड़ा बाहर का लुक दिखाते हैं। देखिए ये है 1 नंबर प्लेटफॉर्म, और हमारी ट्रेन जो आई है वो आई है 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर। तो देखिए धूप बहुत ज़्यादा तेज है, और जब गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो बहुत ही ठंडा लगता है, मतलब एसी फुल्ली वर्क कर रहा है अंदर। तो ये है आपका क्यूल स्टेशन, और यहाँ का कोड है KIUL क्यूल। ये आपका है प्लेटफॉर्म नंबर 1, और वो है प्लेटफॉर्म नंबर 2। ट्रेन 2 नंबर पर खड़ी हुई है। तो चलिए अभी यहाँ पे 20 मिनट ट्रेन रुकेगी, फिर यहाँ से चलने के बाद अब इसके बाद हमारी डेस्टिनेशन रुकेगी राजेंद्र नगर टर्मिनल, जो कि हमारी लास्ट डेस्टिनेशन है। और धूप बहुत ज़्यादा तेज है यहाँ पे। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, ट्रेन यहाँ आई है 20 मिनट बिफोर, और खुलने का टाइम इसका 4:05 है, और टाइम हो गया है देखिए आपका 4:10, बट अभी तक नहीं खुली है ये, मतलब यहाँ से ये 5 मिनट डिले अप्रॉक्स हो चुकी है। देखते हैं कितना देर में ये खुलती है। 5-6 मिनट डिले तो कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन चलिए देखते हैं कितने देर में खुलती है। ऐसे अनाउंसमेंट तो बहुत देर पहले हुई है खुलने वाली है, बट 4:10 हो गया लेकिन अभी तक खुली नहीं। चलिए खुलती है तो फिर आप लोगों से मिलते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, चार बज के 12 मिनट हुई है और ट्रेन का सिग्नल हुआ और ट्रेन खुल गई। 4:12 मतलब कि 7 मिनट डिले यहां से खुली है। चलिए यहां से ट्रेन निकल रही है और टाइम आप लोगों के बाद दिखाते हैं 4:12। तो चलिए ऐसे ही ट्रेन का व्यू आप लोग लेते रहिए और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूला दीजिए। तो चलिए हमारी ट्रेन फ्यूल से निकल रही है, इसके बाद आएगी हमारा डेस्टिनेशन राजेंद्र नगर टर्मिनल। देखिए ये मल्टीपर्पज स्टॉल और यहाँ पे ट्रेन का टाइमिंग था 4 एग्जैक्ट और यहाँ पे ट्रेन आई है 3:40 पे और खुली है 4:12 पर। तो चलिए यहाँ से डिपार्ट हो रही है ट्रेन और अब हम आपको मिलेंगे सीधे राजेंद्र नगर टर्मिनल। चलिए हम अब सीट पे बैठते हैं, बाहर बहुत ज़्यादा देर रह गए थे तो धूप से थोड़ा हालत बैंड बच गया है। तो चलिए अंदर एसी का मजा लेते हैं। एक स्टॉपेज और रहा गया है तो देखिए कील जंक्शन। चलिए मिलते हैं आप लोग से राजेंद्र नगर टर्मिनल। देखिए ट्रेन पटना साहिब से निकली है और अब गुलजारबाग आने वाली है और इसके बाद राजेंद्र नगर टर्मिनल। अभी ट्रेन बहुत स्लो थी अभी। तो देखिए ये है राजेंद्र नगर टर्मिनल का यार्ड। इसीलिए इसको टर्मिनल कहा जाता है। देखिए कितना गर्द। ये आपका देखिए गाड़ी साउथ बिहार एक्सप्रेस लगी हुई और अभी ट्रेन कुछ देर में प्लेटफॉर्म इन करेगी। चलिए देखते हैं किधर प्लेटफॉर्म आता है। तो देखिए आप प्लेटफॉर्म इन कर रही है कोच केयर सेंटर। तो देखिए राजेंद्र नगर टर्मिनल हम लोग की गाड़ी इन हो गई और ट्रेन आई है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आई है ट्रेन। चलिए उतरते हैं फिर आप लोग। तो देखिए राजेंद्र नगर टर्मिनल हम उतर गए हैं और ट्रेन 3 पे आई और अब चल रहे हैं एग्जिट बाहर चल रहे हैं। तो कैसी लगी आपको जर्नी आप लोग जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ से हम बाहर निकल रहे हैं और आपको थोड़ा व्यू दिखाते हैं राजेंद्र नगर टर्मिनल का, स्टेशन का व्यू। चलिए बाहर निकलते हैं फिर आप लोग से मिलते हैं। देखिए ये सामने इंजन लगी हुई। देखिए गाड़ी, ये राजेंद्र नगर टर्मिनल का शोभा बढ़ाती है और ये है आपका राजेंद्र नगर टर्मिनल स्टेशन। तो चलिए अब चलते हैं रूम पर।
यह है गेट नंबर 4 और हमें चलना है गेट नंबर 3 पर, क्योंकि भाई आया हुआ है रिसीव करने के लिए, छोटा वाला। चलिए देखते हैं गेट नंबर 3 किधर है। देखिए मिल गया है छोटा, पीछे देखिए ये रहा, इसी के पास आए हैं और यहीं से आज घूमेंगे पटना। तो चलिए अब रूम पे पहुंचते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं। तो कैसा लगा आप लोग का ब्लॉग, आप लोग जरूर बताइएगा, और रूम पे पहुंच के फिर वीडियो ख़त्म करते हैं। चलिए आप लोग को थोड़ा बाजार का व्यू दिखाते हैं। देखिए ये है आपका राजेंद्र नगर टर्मिनल, तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं रूम पर जहाँ मेरा ये छोटा रहता है। तो अब यहीं से अब जहाँ हमको घूमना होगा पटना घूमेंगे। फिलहाल आज के ब्लॉग को भी यहीं ख़त्म करते हैं, आई होप आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। गरीब रथ ट्रेन बिल्कुल ठीक ठाक था, बट वही पानी का प्रॉब्लम था। तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर अच्छा है, पानी नहीं रहेगा वो आप लोग के लिए अच्छा है, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो फिर भर भर के कमेंट दीजिए। चलिए कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, और हाँ कल से जो ब्लॉग आएगा वो थोड़ा तगड़ा रहेगा। तो कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी का ख्याल रखिए। बाय बाय।